हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेस्टलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लार्स सुलिवन एंड ब्रॉक लेसनर की मेगा अपडेट के बारे में, एंड क्या सेथ रॉलिंस चैलेंज करने वाले हैं रोमन रेंस को फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, इसकी बड़ी अपडेट के बारे में भी। दोस्तों, फाइनली ड्राफ्ट का पहला एपिसोड खत्म हो चुका है और हमें देखने मिले काफ़ी तगड़े चेंजेस एंड काफ़ी तगड़ा एपिसोड स्मैकडाउन का, और इसकी वजह से स्मैकडाउन की जो रेटिंग्स है वो बढ़ भी चुके हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं स्मैकडाउन के रेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, स्मैकडाउन को एवरेज मिले हैं 2.0865 मिलियन व्यूअर्स। स्मैकडाउन को फर्स्ट आवर में मिले हैं 2.156 मिलियन व्यूअर्स एंड स्मैकडाउन को नेक्स्ट आवर में मिले हैं 2.017 मिलियन व्यूअर्स। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि स्मैकडाउन के जो रेटिंग्स हैं वो बढ़ चुके हैं। आगे मैं होप करता हूँ कि और भी ज़्यादा रेटिंग्स बढ़े और काफ़ी अच्छे स्टोरी लाइन्स एंड चैम्पियंस हमें देखने मिले इस स्मैकडाउन में। तो अब स्मैकडाउन के रेटिंग्स बढ़ चुके हैं, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रॉ के रेटिंग्स बढ़ते हैं या फिर कम ही रहते हैं, क्योंकि रॉ को रेटिंग्स की काफ़ी ज़रूरत है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट के बारे में जो जुड़ी है लार्स सुलिवन से। दोस्तों, हमने देखा कि लास्ट स्मैकडाउन में लार्स सुलिवन ने अपना रिटर्न किया और तोड़ के रख दिया सारे रिंग में जो लोग थे उनको। अब दोस्तों, लार्स सुलिवन के लिए काफ़ी बड़े प्लान्स हो सकते हैं कि लार्स सुलिवन खुद को इम्प्रूव करके आए हैं एंड अब लार्स सुलिवन को WWE वेस्ट नहीं करना पसंद करेंगे जैसे उन्होंने पहले किया था। पर दोस्तों, लार्स सुलिवन ने जब भी मेन रोस्टर पर डेब्यू किया था तभी उनका पुश काफ़ी अच्छा था, पर उसके बाद फिर उनका पुश थोड़ा सा डाउन हो गया था। पर दोस्तों, हमें अपडेट मिली है अकॉर्डिंग टू द फाइटफुल सिलेक्ट कि WWE के पास बहुत बड़े प्लान्स है ब्रॉक लेसनर के लिए एंड लार्स सुलिवन के लिए भी। अगर लार्स सुलिवन का डेब्यू जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग होता तो लार्स सुलिवन की मैच होने वाली थी ब्रॉक लेसनर के साथ। 2019 में लार्स सुलिवन अपना मेन रोस्टर डेब्यू करने वाले थे ऑन रॉ, पर वो वहाँ से चले गए क्योंकि उन्हें एक एंजाइटी अटैक आया था। 3 महीने बाद लार्स सुलिवन को मेन रोस्टर डेब्यू कराया गया कर्ट एंगल को अटैक करके, और उसके बाद फिर लार्स सुलिवन को ड्राफ्ट किया गया स्मैकडाउन में, जहाँ पर उनकी फ्यूड चल रही थी लूचा हाउस पार्टी के साथ। और उस फ्यूड में लार्स सुलिवन की नी इंजर्ड हो गई थी और वो मिड 2019 से बाहर है WWE से। एंड देन फाइनली कल के स्मैकडाउन में लार्स सुलिवन ने अपना रिटर्न किया और तोड़ के रख दिया मिज जेफ हार्डी मैट रिडल को। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या लार्स सुलिवन के ऐसे ही मेगा प्लान्स होते हैं वापस या फिर नहीं। मुझे तो लगता है कि लार्स सुलिवन एंड ब्रॉक लेसनर की मैच बहुत जल्द हमें देखने मिल सकती है अगर WWE ने लार्स सुलिवन को अनस्टॉपेबल मॉन्स्टर जैसे बुक किया तो, एंड लार्स सुलिवन के पास काफ़ी पोटेंशियल है टू बी द टॉप स्टार। सो लेट्स सी कैसे होती है लार्स की बुकिंग और क्या हमें देखने मिलती है लार्स सुलिवन वर्सेस ब्रॉक लेसनर की मेगा मैच। चलिए अब बात करते हैं मेगा अपडेट के बारे में जो जुड़ी है सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस से। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि कल के स्मैकडाउन में सेथ रॉलिंस ड्राफ्ट हो चुके हैं फ्रॉम रॉ टू स्मैकडाउन, एंड रोमन रेंस जो हमारे यूनिवर्सल चैंपियन है जो एक हील है वो अभी भी है स्मैकडाउन में ही। तो ऐसे दोस्तों, सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस दोनों शील्ड के ब्रदर्स स्मैकडाउन में है, एंड मजे की बात तो ये है कि दोनों ही हील है। तो हमें देखने मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस आगे जाके चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को, और इसी के बारे में सेथ रॉलिंस ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। और WWE का रीसेंट वॉच अलोंग का एपिसोड था, वहाँ पर सेथ रॉलिंस ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। सेथ रॉलिंस ने यह कहा कि उनका अल्टीमेट गोल ये होगा कि स्मैकडाउन में वो टॉप पर रहेंगे, और इसकी वजह से मुझे नज़र रखनी होगी चैंपियन पर खुद, और वो है द बिग डॉग रोमन रेंस। तो दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों ये है कि सेथ रॉलिंस को रॉ ब्रांड की तरह ही स्मैकडाउन ब्रांड में भी टॉप पोजीशन पर रहना है, और अभी स्मैकडाउन पर टॉप पोजीशन पर है द बिग डॉग रोमन रेंस द ट्राइबल चीफ। तो आज न कल हमें यह देखने मिल सकता है कि सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस की फ्यूड हो जाती है, और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इस फ्यूड में कौन होता है हील एंड कौन होता है फेस, या फिर दोनों ही होते हैं हील। एंड ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि क्या सेथ रॉलिंस हरा पाते हैं रोमन रेंस को और बन जाते हैं यूनिवर्सल चैंपियन इन द कमिंग टाइम। तो दोस्तों, हमें ऐसे इन शील्ड ब्रदर्स के बीच में तगड़ी राइवलरी देखने मिल सकती है आने वाले टाइम में, जो काफ़ी ठासू होगी। तो दोस्तों, आप सभी स्टे ट्यून्ड रहिए एंड एक्साइटेड रहिए सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के फ्यूड के लिए इन द नियर फ्यूचर। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए, फर्स्ट, क्या आप लार्स सुलिवन एंड ब्रॉक लेसनर की मैच देखना पसंद करेंगे? सेकंड, आप कितने एक्साइटेड हैं सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस के फ्यूचर राइवलरी के लिए फॉर यूनिवर्सल चैंपियनशिप, एंड आप इस मैच में किसे सपोर्ट करेंगे?
So guys, please, please, please like, comment, share and subscribe to our channel, Wrestling Badshah. Peace out.